हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे मूंग की दाल कैसे बनती है। जी हाँ, ये देखिए हमने मूंग भिगा दिए थे 6-7 घंटा पहले, जिसको हम बॉईल कर लिए हैं। ये देखिए हमारा बॉईल हो चुका है और इसमें हम तड़का लगाएंगे। देखिए ये हम कढ़ाई रख दिए, गैस ऑन करते हैं। ये देखिए हम सरसों का तेल डाल रहे हैं, अच्छे से तेल डालेंगे। ये देखिए घर का सरसों का तेल है, जिससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसमें हम 2 से 3 कटे हुए प्याज लिए। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा जीरा और मिर्च का तड़का लगाएंगे, तेज़पत्ता डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 3 बड़े बड़े हम प्याज कट कर लिए थे छोटा छोटा टुकड़ा, उसको डालेंगे। ये देखिए हल्का प्याज हमारा हो गया। अब इसमें हम 1 कटा हुआ टमाटर डालेंगे, ये देखिए बारीक कटे हुए हैं। ये देखिए हमारा प्याज और टमाटर एकदम हो चुका है, ये देखिए पूरा मिक्स हो चुका है। अब इसमें मसाला डालेंगे, मसाला 1.5 चम्मच है, 1 चम्मच हल्दी है, कश्मीरी मिर्च पाउडर। ये देखिए हमारा मसाला पक चुका है, अब इसमें हम मूंग डालेंगे। मूंग हम डाल दिए, ये देखिए हम दाल मिक्स कर दिए इसमें। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये देखिए हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिए, हमारा दाल बन गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, ये देखिए। अब इसको हम 3 से 4 मिनट तक पकने देते हैं। अब इसमें नमक डालेंगे। ये देखिए हमारी मूंग की दाल एकदम बन के तैयार है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए अब इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे, जो कि देखने में सुंदर लगे। जितना देखने में सुंदर है, उसमें प्रोटीन से एकदम भरा हुआ है ये दाल। ये देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।